A very good afternoon to all. So in this video I'm going to cover mobile operating system. So guys, in this video hum cover karne ja rahe hain different mobile operating system and introduction to mobile operating system and why they are needed. For example, jitne bhi market mein operating system available hai related to mobile is video mein hum cover up karenge. For example, introduction pehle hum discuss karenge ki mobile operating system hai kya aur uski zarurat ke upar hi. Then we will discuss what are the various open platform and mobile operating system के फीचर कौन कौन से हैं, Symbian and BlackBerry. So इस सीरीज में और इस ट्यूटोरियल में हम Symbian ऑपरेटिंग सिस्टम एंड BlackBerry के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो गाइस, सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वाई दे आर नीडेड. A mobile operating system is a software that allows smartphone, tablet, PC, जिसे हम personal computer भी बोलते हैं, other devices to run application and program. और सभी devices के ऊपर हमारा जो program है वो run होना चाहिए. लेकिन वो कैसे होगा, उसके लिए हमें mobile operating system की requirement होती है. A mobile operating system typically start up when a device power on, presenting a screen with icon or टाइल्स डैट प्रजेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड एप्लीकेशन एक्सेस. तो जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है तो आपको एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स होते हैं. उन आइकन के जरिए आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं. मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो मैनेज सेलुलर एंड वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी एज वेल एज फोन एक्सेस. तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में ये भी फीचर है कि वायरलेस, जैसे आपका वाईफाई कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, सेलुलर नेटवर्क को मैनेज करना, तो ये इनबिल्ट फीचर होते हैं किसी भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के. सो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेट हेल्प टू रन अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और मोबाइल डिवाइसेस. तो और जो एप्लीकेशन होती हैं वो भी आपके मोबाइल सिस्टम में रन हो सकती हैं. एंड इट इज़ द सेम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एज फेमस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स एंड विंडो, बट नाउ दे आर लाइट एंड सिंपल टू सम एक्सटेंट. तो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड ऑन स्मार्टफोन्स इंक्लूड सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ये सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे. जो आपका नोकिया का फ़ोन होता था वहाँ पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम टीम्स ब्लैकबेरी, विंडो मोबाइल, पाम, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड मैम, एंड्रॉयड वेब ओएस, एंड दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. The iPhone operating system originated from BSD and NextStep, which are related to Unix, and it combines the beauty of computer and hand-used devices. It typically contains cellular built-in motor and SIM tray for telephony and internet connections. So guys, this is about introduction of mobile operating system, ke hamare paas kaun kaun se mobile operating system hai jiske upar hum apni application ko run kar sakte hain. Now वी विल डिस्कस सम फीचर्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन. ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं, देखिए फर्स्ट फीचर आपका क्या है, कनेक्टिविटी. जब का मोबाइल एंड्रॉयड मार्केट में आया है आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने शुरू हो गए हो, लोग आपस में क्या है कनेक्टिविटी इंक्रीज हो गई है. बिकॉज यू कैन ईजली शेयर योर इंफॉर्मेशन इन दी फॉर्म ऑफ इमेजेस, आप शेयर करते हो, वीडियो शेयर करते हो, इवन कि आप अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हो. So device is continuously logged into mobile network as application are constantly online. अब देखो जो भी टास्क है वो ऑनलाइन होते जा रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर कोई नेट बैंकिंग करनी है घर बैठे ही आप अपने मोबाइल के ऊपर अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, रेलवे टिकट बुक कर सकते हो. तो इसके थ्रू क्या है, आपकी कनेक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी बढ़ती जा रही है एंड लोगों के साथ भी. So in this way, user particular information and notification be pressed to app as they are accessible. और आपको information कैसे मिलती है, in the form of notification. जैसे कोई latest update आया तो एक notification आ जाएगी जो आपको update करेगी. This is an important characteristic of mobile application to be available anywhere. Otherwise, actively called service to get reaction is worthless in mobile environment. अब the ability to push become essential is growing application on every smartphone as characteristic keep on app in user mind. So सबसे बड़ा advantage क्या है, connectivity increase हो गई है mobile operating system आने से. कोई भी person है एक location से दूसरी location पर बात कर सकता है, एक country to दूसरी another country, you we can talk very easily, जो कि
जब ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था तो इट वॉज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आप जस्ट बात ही कर सकते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते थे। हाँ, स्काइप के ज़रूर कर सकते थे, राइट, लेकिन तब इतनी नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। लेकिन जब मोबाइल हाथ में आ गया, नाउ एवरी वन कैन परफॉर्म एवरी टास्क एट एनी टाइम। नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट। सो इट इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ मेन एंड प्राइमरी मेमोरी। फर्दर, वट एवर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, इट हैज़ टू बी प्रेजेंट इन दी मेन मेमोरी। देखो, मेन मेमोरी आपकी क्या होती है, जिसे हम रैम बोलते हैं। कोई भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हो, सबसे पहले कहाँ पे लोड होती है, आपकी मेन मेमोरी में। आप जैसे देखते होगे, कोई फ़ोन परचेज करते हो, आप चेक करते हो ना साइज़ के, 4 GB रैम है, 8 GB रैम है। तो जितना साइज़ रैम का ज़्यादा होगा, उतनी स्पीड फास्ट होगी। देयर फोर देर कैन बी मोर देन वन प्रोग्राम प्रेजेंट एट ए टाइम एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू मैनेज दी मेमोरी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इट एलोकेट एंड डी एलोकेट दी मेमोरी, कीप ए रिकॉर्ड ऑफ विच पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज यूज बाई होम एंड हाउ मच डिस्ट्रीब्यूट दी मेमोरी वाइल मल्टी प्रोसेसिंग। और कैसे आप अपनी मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो जब आप मल्टी प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे होते हो। तो दिस इज़ द अनदर फीचर ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। देन प्रोसेसर मैनेजमेंट शेड्यूलिंग। देखिए, आपको पता ही है जो प्रोसेसर होता है उसका काम क्या होता है, शेड्यूलिंग करना, ठीक है। शेड्यूलिंग भी काफ़ी तरह की होती है, जैसे शॉर्ट टेस्ट, जॉब फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राइट। सो व्हेन मोर देन वन प्रोसेस रन ऑन दी सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड हाउ एंड व्हेन ए प्रोसेस विल यूज दी सीपीयू, हैंस द नेम इज ऑल्सो सीपीयू शेड्यूलिंग। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट एंड डी एलोकेट प्रोसेसर टू द प्रोसेसेस कीप रिकॉर्ड ऑफ सीपीयू स्टेटस। तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस को एलोकेट करना है सीपीयू और किसको नहीं करना। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस। अ सिंपल एंड इमोशन डिजाइन करंटी हाई वैल्यू एंड एक्सेप्टेंस अमंग यूजर। देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन ऐसा नहीं है कि आपका टास्क परफॉर्म करेंगी, लेकिन वो पॉपुलर कैसे होगी, फ्रेंडली यूज़ कैसे होगी, अगर उसका इंटरफेस बहुत सिंपल होगा। कोई भी एक लेमैन पर्सन जब उसे फर्स्ट टाइम यूज़ करेगा, वो इजीली उसे कर पाए, ऑप्शन इजीली अवेलेबल हो, राइट। सो द ओवरऑल यूजेबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लान केयरफुली टू बिल्ड ए जॉयफुल एंड फिट इंटरेक्शन फ्लो। श्योरली अ गुड कंटेंट इज ए प्लस पॉइंट व्हाइल एनालाइजिंग यूजर रिक्वायरमेंट एंड क्राफ्टिंग यूजफुल आइडिया आउट ऑफ दिस एसेंशियल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपकी एप्लीकेशन का डिज़ाइन है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, सो डैट एवरी यूजर कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली एंड ऑपरेट इट। नेक्स्ट, डिवाइस मैनेजमेंट। देखिए, नेक्स्ट फीचर आपका क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। द प्रोसेसर मे रिक्वायर डिवाइसेस फॉर देयर यूज़ एंड दिस मैनेजमेंट इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट एंड डी एलोकेट डिवाइसेस टू डिफरेंट प्रोसेसर, कीप रिकॉर्ड ऑफ देयर डिवाइसेस के किस डिवाइस को प्रोसेसर एलोकेट हुआ है और किसको नहीं हुआ, एंड डिसाइड विच प्रोसेस कैन यूज विच डिवाइस फॉर हाउ मच टाइम। ये किसका काम है, ये सारा का सारा आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जो कि आपकी डिवाइस मैनेजमेंट को भी हैंडल करता है। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी फाइल मैनेजमेंट। देखो, कितनी सारी फाइल होती हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, आपकी इमेजेस होगी, ऑडियो होगी, वीडियो होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स होगी। सो दी फाइल ओने सिस्टम आर स्टोर इन डिफरेंट डायरेक्टरीज। सो ऑपरेटिंग सिस्टम कीप रिकॉर्ड ऑफ स्टेटस एंड लोकेशन ऑफ फाइल्स एंड एलोकेट एंड डी एलोकेट दी रिसोर्सेज। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। एंड सिक्स्थ वन इज सिक्योरिटी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देर आर सेवरल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी लाइक ट्रांसफर डेटा ओवर नेटवर्क वाया कैरियर नेटवर्क, सम एप्लीकेशन सिंक डाटा विद ऑनलाइन वेब ऐप एंड ऑन स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दी सर्वर मस्ट बी सिक्योर, एंड अनदर क्रिटिकल सिक्योरिटी ब्रीच कैन बी मोबाइल डिवाइसेस इटसेल्फ एज इट डू नॉट वांट एनीबॉडी टू प्ले विद मोबाइल फोन। ओके, सो सिक्योरिटी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल बिकॉज दीज मे बी जनरल फीचर एंड करेक्टरिस्टिक बट प्ले वाइटल रोल इन द मोबाइल एप्लीकेशन। एंड ऑलमोस्ट एवरी सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर ऑफर द एप्लीकेशन डिवेलपमेंट सर्विस बट ओनली फ्यू मच्योर कंपनी सीरियसली केयर अबाउट दिस करेक्टरिस्टिक एंड फीचर टू गिव अल्टीमेट मोबाइल एप्लीकेशन टू एंड यूजर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सर्विस प्रोवाइड करना। सॉफ्टवेयर तो प्रोवाइड कर देते हैं, कोई भी कंपनी कर देती है, लेकिन कल को उसमें कोई बग आ गया या उसमें कुछ मेंटेनेंस चाहिए तो उसे सर्विस की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडेड ऑफर द एप्लीकेशन डिवेलपमेंट सर्विस बट ओनली फ्यू मच्योर कंपनी सीरियसली केयर अबाउट इट। ठीक है, तो अगर सर्विस जितनी अच्छी होगी उतना ही यूज़र का ट्रस्ट एक कंपनी की तरफ
और उस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ ज़्यादा इंक्रीज होगा। अगर हम कुछ अदर फंक्शंस की बात करें, एरर डिटेक्शन, कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ ए सिस्टम परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा। सो ये थे आपके कुछ फीचर्स और मोबाइल एप्लीकेशंस के या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के, राइट। नाउ हम क्या करेंगे, आपका अलग एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे, डैट इज सिम्बियन। देखिए जो सिम्बियन है वो नोकिया के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था किसी टाइम पर, जब नोकिया बहुत पॉपुलर था तब सिम्बियन यूज़ हुआ करता था, राइट, जब एंड्रॉयड नहीं था। सो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज मोस्ट वाइडली यूज स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम इन दी वर्ल्ड अंटिल 2010। देखिए 2010 तक ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था मार्केट में, व्हेन इट वॉज ओवरटेकन बाय एंड्रॉयड। डिवेलपमेंट ऑफ सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डिसकंटिन्यू इन मई 2014। देखिए 2014 में वो डिसकंटिन्यू हो गया, क्यों, क्योंकि एंड्रॉयड ने अपनी मार्केट बहुत ज़्यादा कैप्चर कर ली थी, हर पर्सन के पास एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल होने लगा। सो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम एस ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड ई पॉक विच वॉज डिवेल्प्ड इन 1980 बाय सिम्बियन। ओके, तो ये उसकी इंट्रोडक्शन है, राइट। इन 1980 में उसे मतलब बाय अ कंपनी नेम्ड, हाँ मैं एक मिनट आपको साइड पे स्लाइड कर दूँ, या पीजन, ठीक है ना, PSION इस कंपनी के द्वारा 1980 में फिर से डेवलप किया गया। देन सिम्बियन के बारे में अगर हम और डिस्कशन करें, सिम्बियन वॉज नोकिया स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम अंटिल 2011 एंड नोकिया यूज लिनक्स इन सब इंटरनेट टैबलेट एंड इन नोकिया N900। By the end of 2011, Nokia got into alliance with Windows and Android. ठीक है, फिर उसकी किसके साथ अलायंस हुई, विंडोज एंड एंड्रॉयड के साथ। और फिर आपने नोटिस किया होगा कि ल्यूमिया के ऑपरेटिंग सिस्टम ल्यूमिया बेस्ड आपके नोकिया के फ़ोन आने लगे जो एंड्रॉयड बेस्ड पे थे, या और उस पर व्हाट्सएप भी कंपेटिबल था। नेक्स्ट, लॉस ऑफ मार्केट शेयर। देखिए पहले तो नोकिया की बहुत अच्छी मार्केट थी, लेकिन एंड्रॉयड आने के बाद उसकी मार्केट डाउन होगी। So in 2007, officially launches of iPhone continued to be outsold. In 2010, drastically the share of market dropped when Android and iOS continued to gain the market share. Symbian share in the market dripped to 32%. देखो 32% तक गिर गया 2010 तक, इतना ज़्यादा लॉस हुआ Nokia की मार्केट को, क्योंकि उस टाइम पे किसने अपनी मार्केट कैप्चर कर ली थी, Android ने। देन अलायंस विद एंड्रॉयड एंड विंडोज, जब पॉपुलैरिटी काफ़ी कम होगी नोकिया की, वो डाउन हो गया, तब उसने अलायंस की किसके साथ, एंड्रॉयड एंड विंडो के साथ। लॉन्च ल्यूमिया केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 2011। सम फोन इन नोकिया केम विद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो। सो अलायंस हेल्प इन इंक्रीज इन सेल्स। तो जैसे उसकी अलायंस हुई एंड्रॉयड और विंडो के साथ, तो उसमें भी सेम फीचर आने लगे, तो नोकिया में की सेल में एक फिर से बूस्ट आया, राइट, फिर से उसकी थोड़ी सी डिमांड बढ़ी। But due to financial difficulty in 2012, Nokia shut down its production and research site in Finland, Germany and Canada. तो 2012 में Nokia ने अपने शट डाउन कर दिया प्रोडक्शन एंड रिसर्च साइट, जो कि फिनलैंड, जर्मनी और कैनेडा में थे। By the end of 2013, 24,500 employees were laid off in Nokia. Very, very big number. Company inability to foresee the rapid change in mobile industry were of their problem. तो वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि जो अपडेट्स मार्केट में आ रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग वो भी प्रोवाइड करें। देन अगर मैं बात करें सेल, ठीक है, सेल ऑफ बिजनेस टू माइक्रोसॉफ्ट। ऑन 2 सितंबर 2013, माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस ए डील वर्थ 3.79 बिलियन अलॉन्ग विद अनदर 1.65 बिलियन टू लाइसेंस नोकिया पोर्टफोलियो ऑफ ए पेटेंट फॉर 10 ईयर्स, अ डील टोटलिंग अराउंड 5.4 बिलियन, और यू कैन से 71 बिलियन, राइट, डॉलर। माइक्रोसॉफ्ट अक्वायर्ड आशा एंड ल्यूमिया ब्रांड्स एंड द फ्यूचर ल्यूमिया डिवाइस आर ब्रांडेड विद माइक्रोसॉफ्ट नेम एंड लोगो। तो ऐसे उसका क्या हुआ, आपस में एक अलायंस हो गई। देन उसके कुछ ये आइकन्स हैं, जैसे सम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट फ़ोन कौन कौन से आए थे, ल्यूमिया 535, ल्यूमिया M30, ल्यूमिया 1520, लेकिन वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए, ये भी कुछ टाइम तक ही रहे मार्केट में। सो इन 1998 अ जॉइंट वेंचर विद टेलीफोनिक मैन्युफैक्चर नोकिया एरिक्सन एंड मोटोरोला
PSION become Symbian Limited and Epoch become Symbian operating system. In 2008, Nokia acquired Symbian as majority of Symbian operating system source code was released under the open source license. At the time, it was one of the largest open source code base related to public. So guys, पहले सिम्बियन की मार्केट होती थी क्योंकि सिम्बियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि नोकिया के फ़ोन में यूज़ हुआ करता था। अगर मैं परफॉर्मेंस एंड अदर फैक्टर की बात करूं सिम्बियन के, वो क्या क्या हैं, तो गाइस परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिज़ाइन टू मेक मिनिमल डिमांड ऑन बैटरी एंड हैव लो मेमोरी। ठीक है, कि सबसे कम बैटरी की रिक्वायरमेंट हो और लो मेमोरीज की रिक्वायरमेंट हो। मल्टीटास्किंग की अगर हम बात करें, टेलीफोनी एंड यूनिवर्सल मैसेजिंग आर फंडामेंटल कॉम्पोनेंट्स। All application are designed to work seamlessly in parallel. अगर हम इसके स्टैंडर्ड की बात करें, the use of technology based on agreed upon standard is a basic principle of Symbian operating system because this is object oriented software architecture. अगर मैं memory management की बात करूँ, memory management optimize for embedded software environment. Runtime memory requirement are minimum. ठीक है, और security सबसे important point होता है mobile application development में। Security mechanism for enabling secure communication and safe data storage. Application support for international environment with built-in Unicode character. तो ये उसके कुछ फीचर हैं आपके Symbian operating system के, एंड दीज आर द सम वर्जन्स ऑल्सो जो उन्होंने लॉन्च किए थे। सो दीज आर द फॉलोइंग वर्जन ऑफ Symbian operating system: AEEE, BEEE, Epoch 16, Epoch 32, Symbian 6, Symbian 7, Symbian 8. राइट, नोकिया 80, एयर प्योर व्यू, नोकिया 603, 700। तो ये अलग अलग वर्जन थे जो मार्केट में अवेलेबल हुए थे नोकिया के। राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने डिस्कशन की कि उसका हिस्ट्री क्या थी, सिम्बियन कैसे मार्केट में आया, उसको लॉस कैसे हुआ, उसने फिर अलायंस कैसे की। सो ऑल दी थिंग्स वी हैव डिस्कस इन दिस ट्यूटोरियल। तो नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो ब्लैकबेरी इज़ ए स्मार्टफोन डिवाइस रिलीज बाय रिसर्च इन मोशन। ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, RIM। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रिसर्च इन मोशन। इन 1999, सिंस इट वॉज रिलीज, इट्स पॉपुलैरिटी सॉर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग फंक्शन: अबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव इंटरनेट ईमेल यूजिंग द पुश मेथड ऑफ डिलीवरी। तो इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ने लगी क्योंकि इसके थ्रू ही आप ईमेल को सेंड और रिसीव कर पा रहे थे। फोन एंड टेक्सटिंग फंक्शनैलिटी, सपोर्ट इंटरनल फैक्सिंग एंड वेब ब्राउजिंग, सपोर्ट ऑफ व्यूइंग ऑफिस एप्लीकेशंस एंड अबिलिटी टू सपोर्ट न्यूमरस अदर वायरलेस इंफॉर्मेशन सर्विस। तो ब्लैकबेरी की ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिसके जरिए ये अपने टास्क परफॉर्म कर रहा है। सो इंट्रोडक्शन टू ब्लैकबेरी में हम क्या डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं, लाइक गुड चॉइस ऑफ कैरियर, चॉइस ऑफ डिवाइसेस, मल्टीटास्किंग फीचर क्या है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग क्या है, ई कॉमर्स एंड कॉर्पोरेट इंटीग्रेशन क्या है। राइट, तो ब्लैकबेरी जब आया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, आप फ्री में बात कर सकते हो। राइट, आप जितने मर्जी मैसेजेस सेंड कर सकते हो जो कि एंड्रॉयड में अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चीज़ें अंडरस्टैंड होती हैं, देन यू कैन इलेबोरेट वेरी इजीली। राइट, सो इंट्रोडक्शन टू ब्लैकबेरी में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म डिवेल्प बाय इट्स मैन्युफैक्चरर रिम। ये याद रखना, उसका खुद का मैन्युफैक्चर था, उसका नाम क्या था? रिम, जिसने उसे डिज़ाइन किया। इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड मल्टी टास्किंग डैट मैक्सिमाइज यूज ऑफ डिवाइस स्पेशलाइज प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग ट्रैक बोर्ड, ट्रैक पैड एंड टच स्क्रीन। एंड अपडेटेड वर्जन ऑफ ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिलीज रेगुलरली टू सपोर्ट न्यू ब्लैकबेरी स्मार्टफोन। राइट, अब अभी कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का? 5.0। सो द करंट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ टू कंप्लीट वायरलेस एक्टिविटी एंड सिंक्रोनाइजेशन विद एक्सचेंज ईमेल कैलेंडर एंड अदर फीचर। तो ये उसके कुछ वर्जन हैं। तो ब्लैकबेरी फ़ोन कुछ इस तरह से दिखाई देता था। राइट, तो देखिए जो ये डिवाइस है उसका साइज़ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जिसे आप इजीली यूज़ कर सकते हो। देन हिस्ट्री ऑफ ब्लैकबेरी, देखिए वर्जन ऑफ ब्लैकबेरी वर सिंपली टू वे पेजर एंड दे वर पर्टिकुलरली पॉपुलर इन बिजनेस ऑन देयर फोकस ऑन ईमेल फैसिलिटीज एज वेल एज प्रोवाइडिंग वायरलेस इंटरनेट एंड कैलेंडर फंक्शन। विद द रिलीज ऑफ 5000 एंड 6000 सीरीज
ब्लैकबेरी मेड दिस स्विच टू द मोबाइल फोन एंड इंट्रोड्यूस ए जावा बेस्ड कर्नर। देखो जब उसने ये दो वर्जन सीरीज लॉन्च की तो उसमें जो कर्नर था वो किस टाइप का था, जावा बेस्ड था। इन 7000 सीरीज फॉलोड वर इन द फर्स्ट फीचर कलर स्क्रीन एंड ब्लूटूथ कैपेसिटी। 8000 और 9000 सीरीज में क्या होता है, वर द फर्स्ट टू बी टारगेटेड एट जनरल कंज्यूमर इनकॉर्पोरेटिंग मोर कमर्शियल फीचर्स सच एज बिल्ट इन कैमरा मेमोरी एंड कार्ड स्लॉट क्लियर द स्क्रीन। ब्लैकबेरी अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो आपको ये डायग्राम की नॉलेज होनी चाहिए। देखो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, ARM कोर है, इनपुट आउटपुट यूनिट है, DSP है, मेमोरी है, राइट। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सो फॉर पर्पस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन वी हैव चूजन द ब्लैकबेरी 9000 सीरीज एंड विच रन 5.0 ऑफ द ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। द वर्जन ऑफ ए ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे जावा बेस्ड करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड यूटिलाइज द ARM आर्किटेक्चर विद द इंटेल एक्स स्केल प्रोसेसर। और इसमें कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट यूज होता है, ARM इज ए रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, जिसे हम RISC भी बोलते हैं, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ये 32-bit रजिस्टर में क्या है, एक प्रोसेसर स्टेटस रजिस्टर होगा और एक लोड स्टोर आर्किटेक्चर भी अवेलेबल होगा, राइट। तो ये कॉम्पोनेंट हैं आपके ब्लैकबेरी आर्किटेक्चर के, लाइक इनपुट आउटपुट यूनिट, DSP हो गया, मेमोरी हो गया, राइट, ARM कोर हो गया। अब ये DSP क्यों लिखा हुआ है, DSP का मीनिंग क्या है, आपने जब हम टीच कर आपको पढ़ाता था इस स्लाइड में तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, राइट, कि DRS क्या है, तो उसको आपने स्टडी करना है। देन अगर मैं बात करूँ, ये देखिए, अगर मैं बात करूं कि मेमोरी कैसे काम करती है, ARM कैसे काम करता है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ब्लैकबेरी सपोर्ट पुश ईमेल, मोबाइल टेलीफोन, टेक्स्ट मैसेजिंग, इंटरनेट, फैक्सिंग, वेब ब्राउजिंग एंड अदर वायरलेस इंफॉर्मेशन सर्विस वॉज रिलीज इन 2002। इट हैज़ ए बिल्ट इन कीबोर्ड और थंबिंग द यूज ऑफ एनी ऑफ द थंब टू टाइप। तो ये कुछ कंपोनेंट है ब्लैकबेरी के, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, CPU हो गया, डेटाबेस हो गया, सपोर्टिंग सिस्टम हो गया, ब्लैकबेरी पिन हो गया। सो ये आपके क्या है, मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लैकबेरी। देन अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, रिम प्रोवाइड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ब्लैकबेरी विच मेक हैवी यूज ऑफ डिवाइसेस, स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइसेस, पर्टिकुलरली स्क्रॉल व्हील और ट्रैकबॉल व्हील। प्रीवियस वर्जन अलाउड वायरलेस सिंक्रोनाइजेशन। ओके, सो द करंट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी क्या था, 10.3.1179, हो सकता है अब और चेंज हो गया हो। इट कैन एक्सचेंज माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ईमेल एंड कैलेंडर एज वेल एज विद द ईमेल। एंड लेटेस्ट फीचर क्या है ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम के, ब्लैकबेरी ब्लेंड एंड BBMS मीटिंग। सो एडवांस इंस्ट्रक्शन क्या है डाटाबेस मैनेजमेंट की, ब्लैकबेरी हब। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स। अगर मैं सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर की बात करूं, राइट, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज चाहिए होगा, पुश मेल चाहिए होगा, MTS मोबाइल डाटा सर्विस, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, BBM ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ब्लैकबेरी मैसेंजर। ओके, सो ये ब्लैकबेरी पिन क्या है, अब उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ब्लैकबेरी पिन इज एन 8-करेक्टर हेक्साडेसिमल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन टू ईच ब्लैकबेरी डिवाइस। पिन्स कैन नॉट बी एक्सचेंज एंड अदर लॉक टू बी ईच हैंडसेट डिवाइसेस। तो गाइस ये कुछ एडवांटेजेस हैं ब्लैकबेरी के, जैसे ईमेल सेंड कर सकते हो, वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, टीदर मॉडम आपके पास को मिलेगा, BBM, ब्लैकबेरी वर्ल्ड, ब्लैकबेरी हब, ब्लैकबेरी वर्ल्ड, राइट। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस इन दिस वीडियो में हमने क्या कवर अप किया है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके फीचर क्या है, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एंड ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके फीचर डिस्कस किए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।